नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर की इस विशेष चर्चा में। 43 सीटें और तीसरे नंबर की पोजीशन, इस दर्द को भूलकर नीतीश कुमार ने आज चिराग पासवान को गुलदस्ता समेत ने अपने घर पर स्वागत किया। अब मन से किया, बेमन से किया, चिराग पासवान को स्वीकार किया या नहीं किया, लेकिन गुलदस्ता तो कम से कम स्वीकार जरूर किया। तो आखिर चिराग पासवान को लंबे अरसे के बाद बिहार के मुख्यमंत्री आवास जाने की जरूरत क्यों पड़ी? 43 सीटों का गम क्या नीतीश कुमार भूल चुके हैं? 43 सीटों के कारण पिछले 3 सालों में 3 बार शपथ ले चुके नीतीश कुमार, क्या उस 43 सीटों को भूलकर चिराग पासवान के साथ नई राजनीतिक पारी को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो गए हैं? वैसे कहा जाता है कि नीतीश कुमार कुछ भूलते नहीं है। नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति में इस बात के लिए जाना जाता है कि जितने ही विनम्र है उतने ही बातों को गांठ बांध कर रखते हैं। और बिहार में रुपौली का जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, वहां पर नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के लिए जोर लगा रखा है, तो सवाल उठता है कि निर्दलीय सांसद पप्पू यादव क्या तेजस्वी यादव की उम्मीदवार बीमा भारती का समर्थन करेंगे, या नीतीश कुमार के उम्मीदवार का समर्थन करेंगे, या निर्दलीय शंकर सिंह का समर्थन करेंगे, और इन सब से आगे जाकर बिहार के में राष्ट्रीय जनता दल को आखिर प्रशांत किशोर के मुद्दे पर चिट्ठी लिखकर अपने कार्यकर्ताओं को क्यों सलाह देनी पड़ी? क्यों प्रशांत किशोर उर्फ प्रशांत किशोर पांडे जी, प्रशांत किशोर पांडे जी लिखने के पीछे का मकसद क्या था उस चिट्ठी में? इन सारी परिस्थितियों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी। ऋषि मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और दर्शकों को हम बता दें कि नमस्कार। ऋषि मिश्रा जी का एक अपना चैनल भी है, ऋषि मिश्रा जर्नलिस्ट, इसे भी आप लोग देखिए और ऋषि मिश्रा जी का उत्साहवर्धन कीजिए। अंदर की खबर, मतलब उसका पर्यायवाची आप कह सकते हैं ऋषि मिश्रा जी को, कि अंदर की खबर धन्यवाद। सियासत की, बिहार से राजस्थान तक और देश के पूरे बड़े हिस्से से अंदर से खबर निकाल कर लाना, जो पत्रकारिता का मूल धर्म है, कि खबरों के पीछे का सच और परिस्थितियों को बताना, वो ऋषि मिश्रा जी करते हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं खबरों के पीछे के उस सच के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जो खबरों के आगे दिख रहा है। ऋषि जी, 43 पर आना, और 43 यानी 43 पर आने के बाद, 43 पर आने के बाद आज 143, यानी आज चिराग पासवान आई लव यू बोलने गए हैं गुलदस्ता लेकर बिहार के मुख्यमंत्री को। 43 का गम कितना बड़ा है कि 3 साल में 3 शपथ, और अब उस 43 के गम के बाद चिराग पासवान को कितने भारी मन से या कितने अच्छे मन के साथ उनके गुलदस्ते को स्वीकार किया है नीतीश कुमार ने। कहने को कहा जा रहा है कि चौकीदार दफादार के मुद्दे पर गए थे मिलने, लेकिन 20 साल से 19 साल से बिहार की चौकीदारी कर रहे नीतीश कुमार को क्या ये नहीं पता है कि चौकीदार दफादार के मुद्दे पर वो चिराग पासवान की बात सुनकर तब उनके हित में फैसला लेंगे? कई सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं, और इस सवाल पर हम चाहते हैं कि आखिर नीतीश कुमार और चिराग पासवान की इस मुलाकात के पीछे का खेल क्या है, और क्या नीतीश कुमार चिराग पासवान को वाकई माफ कर चुके हैं? देखिए, राजनीति में और खासकर बिहार के राजनीति में विधानसभा चुनाव तक आपको ऐसे गुड फील वाले पोजिशनिंग और पोस्चर आपको देखने को मिलते रहे। नीतीश कुमार का मेन मकसद क्या है? नीतीश कुमार का मेन मकसद है कि एनडीए ही नहीं, तमाम जो बिहार के जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, उसमें वो नंबर वन बन के उभरे विधानसभा चुनाव में। नीतीश कुमार का जो मेन टारगेट है अभिषेक जी, कि विधानसभा के जो नतीजे आए उसमें जेडीयू सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरे, और वो मैजिक संख्या के आसपास जेडीयू रहे, जहां से यदि 10-20 तोड़ना भी पड़े और तोड़कर सरकार अपने बलबूते बनाने में नीतीश कुमार सक्षम होते हैं, तो उस संख्या के तक पहुंचना चाहते हैं। और उस संख्या तक पहुंचने के लिए ऐसे गुडफिल वाले फोटो, ऐसे नीतीश कुमार गुडफिल कराते रहेंगे। और इसके इसके पीछे की स्टोरी ये भी है कि नीतीश कुमार, देखिए चिराग पासवान भी ये जानते हैं कि इन दिनों बीजेपी जो है उनके लिए जितना
संघर्ष नहीं कर सकती है जितना वो जेडीयू की बातों को मानेंगे, क्योंकि जेडीयू के सहारे ही ये भी केंद्र की सरकार है, जेडीयू के सहारे ही विधानसभा आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो बिना नीतीश कुमार के राजा मंदी के अधिक से अधिक सीटें जो है चिराग पासवान को भी बीजेपी नहीं दे सकती है, क्योंकि एनडीए घटक का एक महत्वपूर्ण मतलब पार्ट कहिए या चेहरा कहिए नीतीश कुमार है। तो एक दूसरे को फील गुड कराते रहेंगे क्योंकि विधानसभा चुनाव है, और जहां तक 43 सीटों पे लाने की बात है तो इक्वेशन मुझे लगता है कि इक्वेशन बराबर हो गया, जैसे मैथ में आपने पढ़ा होगा 10th में कि इक्वेशन को बराबर करना होता होता था और बाद में हिंस प्रूफ लिखना पड़ता था, बाद में हिंस प्रूफ लिखना पड़ता था। तो वही बिहार विधानसभा 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन पाई, उसके पीछे चिराग ऑपरेशन का बड़ा रोल था। दूसरी तरफ चिराग पासवान की पार्टी यानी लोक जन शक्ति में जो टूट हुई उसमें नीतीश कुमार का भी महत्वपूर्ण रोल था, और उस ऑपरेशन को ललन सिंह लीड कर रहे थे, लेकिन उसकी सहमति, उसका मौन समर्थन कहिए या डायरेक्ट समर्थन कहिए, बीजेपी का था। जब लोजपा में टूट हुई आनन फानन में आपने देखा होगा कि तुरंत लोकसभा में उसको एक गुट के रूप में मान्यता दे दिया गया, तुरंत पशुपति पारस को कैबिनेट में शामिल कर लिया गया। तो इस हिसाब से देखे अब से की तो क्वेश्चन बराबर पर छूटा है, LHS इक्वल टू RHS हो चुका है, हिंस प्रूफ हो चुका है। तो मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव में एक दूसरे की जरूरत है, और जिस प्रकार से चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट रहा है, पांचों में से पांचों सीट LJP जीतने में सक्षम रही है, तो नीतीश कुमार ये भी देख रहे होंगे कि चिराग पासवान को साथ में रखना है और चिराग पासवान को गुड फील कराते रहना है विधानसभा चुनाव तक। और मेरा ये मानना है, आपके पास से सहमत हूँ, किसी एक नेता ने कहा था कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है, तो नीतीश कुमार किसी चीज को जल्दी नहीं भुला पाते हैं, उनके फेस के पोजिशनिंग से, उनके फेस के गेस्टर से आप ये मत गलतफहमी में रहिए कि नीतीश कुमार ने सब कुछ भुला दिया है। राजनीति में परिस्थिति और टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है। अभी ये परिस्थिति ये है कि NDA को चिराग पासवान की जरूरत है, JDU को चिराग पासवान की जरूरत है, और ये बात आप भी समझ मानते होंगे अभिषेक जी, और दर्शक भी इस बात से सहमत होंगे कि पासवान समाज का जो झुकाव है आज भी चिराग पासवान के साथ है, उतनी मजबूती के साथ है, और विधानसभा चुनाव में ये फैक्टर बहुत ही निर्णायक होने जा रहा है, इसलिए एक दूसरे को गुड फील कराते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे फोटो आगे भी आपको देखने को होंगे, और नीतीश कुमार का इससे पहले टारगेट है बाई इलेक्शन में चाह रहे हैं कि पूरा NDA यूनाइट हो, ताकि JDU उम्मीदवार जो वहां पे हैं उनको जिता के लाया जा सके। जी, एक बड़ी खबर और आ रही है कि पूर्व सांसद आनंद मोहन बहुत नाराज है NDA से, और NDA से यानी कहे तो NDA के नेतृत्वकर्ता यानी BJP से। उनका कहना है, लवली आनंद को मंत्री नहीं बनाने से बताया जाता है कि वो नाराज है। उनका एक बयान है कि राजपूत किसी के गुलाम नहीं है, लवली आनंद को केंद्रीय मंत्री बनाया गया होता तो आज पूरे बिहार का ठाकुर समाज JDU के साथ खड़ा हो गया होता। NDA में शामिल दलों को चेतावनी देते हुए वो 2025 का विधानसभा चुनाव के लिए कह रहे हैं कि राजपूत समाज का नोटिस लें, नहीं तो आगे की डगर कठिन होगी। आप बताइए, ये आनंद मोहन का मामला, लवली आनंद को मंत्री नहीं बनाए जाने का मामला, और बिहार से एक भी राजपूत को मंत्री नहीं बनाया गया, इस पर आनंद मोहन का बयान कि राजपूत किसी के गुलाम नहीं है, क्या ये नरेंद्र मोदी के लिए दिया गया बयान है, सीधी चुनौती है नरेंद्र मोदी को, या नरेंद्र मोदी के साथ साथ नीतीश कुमार के ऊपर भी इस बयान का कोई असर है, या नीतीश की सहमति से दिया गया बयान है? देखिए, उसमें दो तीन बातें हैं। एक तो रिप्रेजेंटेशन की बात है, तो लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक फॉरवर्ड में सबसे अधिक किसी को टिकट दिया गया, तो राजपूत समुदाय को टिकट दिया गया, इससे पहले भी कैबिनेट में हर चुनाव में दिया जाता है, और इससे पहले भी कैबिनेट में रिप्रेजेंटेशन राधा मोहन सिंह का था रहा है, इससे पहले भी कैबिनेट में राजीव प्रताप रूडी का रिप्रेजेंटेशन रहा है। तो देखिए, मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ। देखिए, इसके दो मायने, या तो नीतीश कुमार के साथ पे
बयान दिलवाया जा रहा है, या हो सकता है कि आनंद मोहन को लगा हो कि कैबिनेट विस्तार आने वाले दिनों में कैबिनेट विस्तार हो सकता है, तो उस हिसाब से वो पोजीशनिंग कर रहे हैं, उस हिसाब से भी पोजीशनिंग कर रहे हैं कि वो उनके उनकी पत्नी सांसद हो गई, बड़े पुत्र विधायक हैं, ये भी चाह रहे होंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव में जो उनके छोटे पुत्र हैं उनको प्रेशर बना के उनको कहीं से टिकट दिलवाया जाए। तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स होते रहते हैं। लेकिन यह बात भी सही है कि कैबिनेट में बिहार से जितने भी रिप्रेजेंटेशन दिए गए उसमें राजपूत समाज को दरकिनार किया गया, तो कहीं ना कहीं इस चीज को वो भुनाना चाह रहे होंगे, बीजेपी पे भी दबाव बनाना चाह रहे होंगे, नीतीश कुमार पे भी दबाव बनाना चाह रहे होंगे। लेकिन ये बात नहीं भूलना चाहिए आनंद मोहन को कि आप उसी सीवर से चुनाव लड़े थे, आपकी पत्नी उसी सीवर से चुनाव लड़ी थी, तीसरे चौथे नंबर पे थी जी, कई चुनाव से आप 2009 लड़ी, 2014 लड़ी, 2019 नहीं लड़ी। आनंद मोहन खुद 2004 का चुनाव लड़े, तीसरे नंबर पर थे सीवर में, सीताराम सिंह से। देखिए ये यही नीतीश कुमार हैं, एक तरह से उनको आजीवन कारावास हो गया था, यदि सरकार नहीं चाहती तो वो इतने आसानी से बाहर नहीं आ पाते। जी, एक बात मैं आपके सामने अभी क्लियर कर दूं कि मेरी जो जानकारी है, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की किसी मौन सहमति से दिया गया बयान ये हो सकता है, क्योंकि बिहार में आप जानते हैं बिहार का जो पॉलिटिकल डीएनए रहा है, जो पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर रहा है, उसमें पहले से था कि ब्राह्मण मतदाता ट्रेडिशनली कांग्रेस के समर्थक थे, कांग्रेस कमजोर हुई तो भाजपा में चले गए। ठीक इसी तरह से भूमिहार मतदाताओं का झुकाव कांग्रेस में भी था और ज्यादातर कम्युनिस्ट पार्टियों से जुड़े हुए लोग थे, बेगूसराय गढ़ हुआ करता था और जहानाबाद आपको मालूम, थोड़े बहुत लोग जनसंघ में भी थे, कैलाशपति मिश्र जैसे लोग। राजपूत समुदाय मोटे तौर पर गांव गांव में सोशलिस्ट नेटवर्क का हिस्सा था, समाजवादी धारा का। हर गांव में आप जाएंगे तो लोग कहेंगे कि अरे वो राजपूतों का घर है, वो सब सोशलिस्ट लोग हैं, लोहियाइट लोग या आचार्य नरेंद्र देव वाले लोग। वो एक पुरानी परंपरा थी, अब राजनीति उससे आगे बढ़ गई है। आनंद मोहन एक पुराने सोशलिस्ट घराने से आते हैं और हमेशा कांग्रेस में भी, उनकी पत्नी कांग्रेस से चुनाव लड़ी, समाजवादी पार्टी से सीहोर से चुनाव लड़ी, जनता दल में वो रहे, सजपा में रहे, सब जगह वो हम जनता दल जिधर माझी के पार्टी में रहे जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कभी आनंद मोहन का परिवार नहीं गया। कहा जाता है कि सब कुछ हो सकता है लेकिन आनंद मोहन और उनके पुत्र या उनकी पत्नी बीजेपी के सदस्य नहीं हो सकते, उनके करीबी लोग यहाँ ऐसा दावा करते हैं। अब हम लोग नहीं जानते क्या है, और शायद इस दावे का असर था कि कुछ संख्या में मुसलमानों ने उन्हें वोट दिया है, ये सच्चाई है। अब सवाल ये उठता है कि आनंद मोहन ने जिस प्रकार से बयान दिया है विधानसभा चुनाव के पहले, अगर भारतीय जनता पार्टी से राजपूत दूर जाते हैं और जनता दल यूनाइटेड से सहानुभूति रखने की स्थिति में राजपूत आकर खड़े होते हैं, उस परिस्थिति में जब एक भी राजपूत को मंत्री नहीं बनाया गया बिहार से, क्या लगता है आनंद मोहन अपने पुराने दिनों की वापसी चाहते हैं या नीतीश कुमार को मजबूत करना चाहते हैं? देखिए आनंद मोहन, देखिए दो बातें हैं। आनंद मोहन तो एक अग्रेसिव नेता तो है ही, आप उनके इतिहास में भी जो उनके पॉलिटिकल एक समय तो पूरे फॉरवर्ड के नेता थे, सिर्फ राजपूतों के नेता नहीं थे। आप 94-95 वैशाली उपचुनाव बिहार चुनाव की बात करें तो वही, मैं देखिए मैं कि समाज के नेता थे नहीं थे मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके अप्रोच को लेकर कर रहा हूँ। उनका जो अप्रोच हमेशा एग्रेसिव रहा है, वो आक्रामक राजनीति करते आए हैं। और ये बयान देखिए, दो मैंने दो बातें आपको आपके सामने रखा, या तो नीतीश कुमार के साथ पे बयान दिए होंगे ताकि जो आने वाले दिनों में यदि कैबिनेट विस्तार हो तो उसमें जेडीयू के हिस्से में भी कुछ सीटें आए, तो ये हो सकता है कि सोची समझी रणनीति हो जेडीयू का। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आनंद मोहन का टेम्परामेंट है, एग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं, और देखिए यदि आनंद नीतीश कुमार के साथ पे बयान नहीं दिए हैं तो देखिए नीतीश कुमार की मजबूरी है, यदि आपको कैबिनेट में एक कैबिनेट और एक एमओएस मिला तो आप ललन सिंह को तो इग्नोर कर नहीं सकते हैं। ललन सिंह इतने सीनियर हैं, पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, कदावर नेता हैं जेडीयू के, तो उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं।
एक अग्रणी जाति को आपने नहीं, स्थान दे दिया, ललन सिंह मंत्रिमंडल और में आनंद स्थान दे मोहन तो दिया। बड़े, देखिए ललन सिंह और आनंद मोहन तो बड़े अच्छे मित्र हैं, ललन सिंह मैं को बनाया दूसरी गया बात कर उसको रहा हूँ, हटा आप ही नहीं सुन, सकते। आप जी सुन तो लीजिए, दूसरी बात कर रहा हूँ, आप दूसरी बात चले जी जाए। देखिए नीतीश कुमार की मजबूरी है कि एक अगड़ा एक पिछड़ा, तो जो नीतीश कुमार के खाते में जो सीटें आई उसमें ये फिट नहीं बैठते हैं। फिट तभी बैठते जब ललन सिंह को रिप्लेस करना पड़ता, लवली आनंद को कैबिनेट मिनिस्टर बनाना पड़ता। तो ये नीतीश कुमार को जो नीतीश कुमार के खाते में आए उस हिसाब से नीतीश, देखिए कई लोग संजय झा का नाम चला रहे थे कि ललन सिंह संजय झा, बोले ये हो नहीं सकता है, एक भूमिहार एक ब्राह्मण, अब पिछड़ा कहाँ जाएगा। जिसके नेता है नीतीश कुमार, जिसके राजनीति वो करते हैं, वो कहाँ जाएगा, पिछड़ा अति पिछड़ा कहाँ जाएगा जी। तो अब मैं अभी भी दावे के साथ कहता हूं, आनंद मोहन कितना भी भूमिका बांध ले, यदि कैबिनेट विस्तार होता है तो देखिए कोई महादलित या दलित में से किसी व्यक्ति को जो सांसद यदि जेडीयू कोटे से होंगे तो उनको बनाया जाएगा। नीतीश कुमार ऐसा कोई मैसेज देना नहीं चाहेंगे जिससे तेजस्वी यादव को आगामी विधानसभा चुनाव में फायदा हो। जी अब ये बताइए, आगामी चुनाव तो खैर कब होगा, 4 महीने बाद होगा या 16 महीने बाद होगा, इस पर हम सिर्फ अटकल लगा सकते हैं। लेकिन रुपौली का चुनाव तो अभी 3 दिन के बाद होना है, कल वहां प्रचार अभियान समाप्त हो जाएगा, मुख्यमंत्री जाकर के वहां भाषण दे के आए हैं कि जिसको 5 बार मंत्री बनाया वो हम लोगों को छोड़कर भाग गई, 5 बार विधायक बनाया मंत्री बनाया उसको हम लोगों को छोड़कर भाग गई, वो जाकर रुपौली में बोले हैं। सवाल ये उठता है, वहां से एक शंकर सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं, पप्पू यादव फैक्टर भी है कि आखिर उनके उनकी मौन या खुली स्वीकृति किसे मिलती है। तो आनंद मोहन का बयान क्या राजपूतों को शंकर सिंह के पाले में जाने से रोक पाएगा, और क्या इस बयान के राजनीतिक निहितार्थ है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। ऋषि जी देखिए अभिषेक जी, आप जानते हैं पूर्णिया, परम पूर्णिया, पूर्णिया के आसपास के क्षेत्रों के राजनीति को आप समझना चाहें, आनंद मोहन खासकर अभी से है कोसी सीमांचल के उसी इलाके से आनंद मोहन आते हैं जहाँ चुनाव हो रहा है। अरे सुन तो लीजिए ना सर, पहले सुन लीजिए, प्रश्न करने के बाद थोड़ा जवाब भी सुना। देखिए पूर्णिया की जो राजनीति को समझने की जरूरत है, खासकर यदि बीमा भारती को सेंट्रिक रख के आप चर्चा करना चाहेंगे, रुपौली को लेकर चर्चा करना चाहेंगे, ये नौबत क्यों आई जेडीयू कि बीमा भारती जेडीयू क्यों छोड़, ठीक है नीतीश कुमार ने उनको विधायक बनाया, नीतीश कुमार ने उस महिला को मंत्री बनाया जिसको ठीक से बोलने भी नहीं आता था। आपको ये अभिषेक जी याद होगा, बीमा भारती जब शपथ ले रही थी मंत्री का तो सही से वो बोल पढ़ भी नहीं पा रही थी, जबकि देख के पढ़ना था। तो वहां समस्या तब पैदा हुआ जेडीयू में जब लेसी सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, और लेसी सिंह और बीमा भारती का पटता नहीं है, और आपने देखा भी होगा जेडीयू में रहते हुए बीमा भारती लेसी सिंह पे प्रहार करती रही है, कई ऐसे उन्होंने आरोप लगाया, कई दो तीन ऐसे हुए हैं जिसमें बीमा भारती ने खुलेआम ये कहा कि लेसी सिंह का उस मर्डर में हाथ है। तो इस प्रकार के डिफरेंसेस हो रहे थे, और नीतीश कुमार को ये लगा कि जो आपने देखा होगा विधानसभा में जो फ्लोर टेस्ट हो रहा था उसमें बीमा भारती नीतीश कुमार पे दबाव बना रहे थे कि मंत्रिमंडल में उनको रखा जाए, अब पूर्णिया से दो दो लोगों को मंत्री बना देंगे ये संभव है नहीं। तो निश्चित ही उनका झुकाव और थोड़ा बगावती उनका तेवर भी था, कुछ ऐसे उन्होंने बयान भी दे दिए थे जिससे सरकार की किरकिरी हुई, और फ्लोर टेस्ट में जो आनाकानी करने लगे, उसके बाद उनके हस्बैंड का गिरफ्तारी हुआ, आपने देखा होगा उनके हस्बैंड और उनके बेटे जो है पटना आ रहे थे उसी बीच में उनकी गिरफ्तारी हो गई। तो इसके बाद बीमा भारती की नाराजगी पार्टी से और बढ़ गया और पार्टी छोड़ के वो वहां चली गई। तो ये नीतीश कुमार ने बिल्कुल सही कहा है। जहां तक पूर्णिया की राजनीति है, आप देखिए इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये देखिए, लेसी सिंह उसी चुनाव उपचुनाव की प्रभारी है, उनको ही जिम्मेवारी दिया गया है कि जेडीयू उम्मीदवार को चुनाव जीता के लाए, वो लेसी सिंह जिनका बीमा भारती से पटता नहीं है। बीमा भारती का माइनस पॉइंट ये है कि उनके हस्बैंड की छवि दबंग की छवि रही है, और हाल के दिनों में ही एक हुआ है जिसमें उनके हस्बैंड और उनके पुत्र का नाम आता है, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं यदि पप्पू यादव का समर्थन नहीं मिलता है तो लेसी सिंह चुनाव हार भी क्या कहते हैं बीमा भारती चुनाव हार भी सकती है। लेकिन बीमा भारती के लिए
शुभ संकेत यह है कि शंकर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और शंकर सिंह को 2020 में 44,000 वोट आए थे जी, तब वो लोजपा और शंकर सिंह जी लोजपा, देखिए शंकर सिंह का अपना प्रभाव है लोजपा, लोजपा जब वो लोजपा से विधायक बने थे तो कितना प्रभाव था आप भी समझते हैं, शंकर सिंह का अपना प्रभाव है। 5-6 हजार पासवान वोट भी मिला होगा उनको मेरे कहने का। हाँ हो सकता है, मैं यही कह रहा हूँ, मैं मेरे जो लोग खेल रहे थे उनका वोट भी पर्दे के पीछे से मिला होगा। देखिए मैंने उस दिन भी आपसे कहा था जब वो शंकर सिंह निर्दलीय नॉमिनेशन करने गए उससे एक दिन पहले उन्होंने चिराग पासवान से मुलाकात की थी। अब मुलाकात में तो ये मीडिया के सामने नहीं कह सकते कि चिराग पासवान ने पीठ ठोक दिया, जाओ बाबू चुनाव लड़ लो, जेडीयू को हरा दो। और ये भी बात है अभिषेक जी कि शंकर सिंह लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव को दिल खोल कर मदद किया है। तो क्या आपको ऐसी स्थिति में, देखिए एक बात आप जान जाइए, पप्पू यादव का फोन जो है ना लगातार गनगना रहा है, लगातार फोन दिल्ली से आ रहे हैं, तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं का फोन आ रहा है जी। तो पप्पू यादव सबको आश्वासन दे रहे हैं कि ठीक है हम मदद करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि पप्पू यादव बीमा भारती को किसी भी सूरत में मदद करने जा रहे हैं। लेकिन आनंद मोहन का जो बयान है, जब उन्हीं के इलाके में चुनाव हो रहा है, जिस इलाके से वो कोसी सीमांचल इलाके से आते हैं वही चुनाव हो रहा है, आनंद मोहन की बिरादरी के शंकर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, तो आनंद मोहन के गुस्से का जदयू प्रत्याशी ही चूंकि चुनाव लड़ रही है, भाजपा नहीं लड़ रही है, असर किस पर पड़ सकता है, जदयू के कैंडिडेट कलाधर मंडल की संभावना पर, या अंततः उसका गुस्सा वहां नहीं उतरेगा? नहीं बिल्कुल, जेडीयू उम्मीदवार को, जेडीयू उम्मीदवार को नुकसान पहुंचाएंगे ऐसे बयान जो है जेडीयू उम्मीदवार को जरूर नुकसान पहुंचाएंगे, और इससे मोरल बूस्टअप मिलता है। कैटालिस्ट, आपने केमिस्ट्री में एक शब्द सुना होगा कैटालिस्ट, कैटालिस्ट का काम करे, आप वही ना कहें तो आप तो विद्वान आदमी है सर, केमिस्ट्री तो मैं आपका फैन हूँ। कराने के लिए आप ऐसे पत्रकार हैं, आप ऐसे पत्र, आप हिंदुस्तान कैसे पत्रकार है जिनको इतिहास, ज्योग्राफी, सिविक्स और साइंस पे भी उतना ही पकड़ है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी उतना ही पकड़ है, ऋषि जी स्पोर्ट्स में भी उतना ही पकड़ है। ऋषि जी मैं अपने दर्शकों के लिए बता दूं कि ठीक है आगे की पढ़ाई मैंने अर्थशास्त्र में की, लेकिन 12वीं तक मैंने साइंस पढ़ी है, तो मुझे कुछ चीजें अभी भी याद है कि हाँ भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस्तेमाल होता है कैटलिस्ट, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, सिंगल बॉन्ड कहाँ लगता है, डबल बॉन्ड कहाँ लगेगा, ये सारी चीजें मुझे पता है, और एसपी डीएफ सब हमने, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये बेसिक चीजें अभी भी कम से कम दिमाग में है। यहाँ ये बताइए शंकर सिंह जो है राजपूतों का इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, एटम ट्रांसफर करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे, आनंद मोहन राजपूतों का वोट जो है, यानी केमिस्ट्री की भाषा में करें तो न्यूक्लियस से एटम निकाल के बाहर ट्रांसफर करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे, क्या आनंद मोहन की ड्यूटी, आप क्या ड्यूटी लगेगी, आज तो मुझे लगता है कल लास्ट डेट है प्रचार का, क्या आनंद मोहन गए हैं या लवी आनंद गई हैं, इसका आप तस्दीक कर लीजिएगा। लेकिन शंकर सिंह यदि आनंद मोहन प्रचार करते करते या नहीं करते, बयान देते या नहीं देते, शंकर सिंह खुद राजपूत समाज से आते हैं, वहां के लोकल हैं, और ये 20-30 हजार भी वोट तोड़ने में सक्षम होते हैं तो इसका सीधा नुकसान जेडीयू उम्मीदवार कलाधर मंडल को उठाना पड़ेगा। हालांकि कलाधर मंडल की जो छवि है अच्छी छवि है। जी 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 कुछ कुछ सवाल ऋषि जी यहाँ महत्वपूर्ण है, उस पर ध्यान देना जरूरी है, कहीं ऐसा तो नहीं, मतलब ऐसे ही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कुछ, कहीं ऐसा तो नहीं कि राजपूतों का वोट तो जा ही रहा है शंकर सिंह को, नीतीश कुमार ने ये मान लिया हो, और नीतीश कुमार कहीं भाजपा से दूर जाने की प्लानिंग कर रहे हो, इसलिए कहा है कि चलो भाई आनंद मोहन से बयान दिलवाया जाए, और चूंकि राजपूत को बिहार में फिलहाल भाजपा का कोर वोटर माना जाता है, फिर कहा जाए कि नहीं वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमें मदद नहीं की, लिहाजा इस गठबंधन के साथ हम नहीं रहेंगे, फिर चिराग मॉडल हो सकता है, ये भूमिका बनाने के लिए आनंद मोहन प्लॉट तो नहीं तैयार कर रहे हैं? देखिए नीतीश कुमार को यदि पाला बदलना होगा ना, या पाला बदलवाना होगा आपकी भाषा में, तो उससे बड़ा मुद्दा है रिजर्वेशन वाला, उससे बड़ा मुद्दा है बिहार
वो विशेष राज्य का दर्जा का मुद्दा। हाँ तो आप यही क्या सवाल मैंने किया ना आप ऋषि जी, मैं आप क्या समझते हैं आप क्या समझ यही सवाल मैंने किया ना, कलाधर मंडल पिछले हैं, पिछड़े वर्ग से हैं, अगर वो चुनाव हारते हैं तो कहा जाएगा कि पिछड़ों की नाराजगी हो गई इसलिए कि नाइन शेड्यूल में बीजेपी ने आना कहा की हम साथ छोड़ रहे हैं। मैं नहीं, मैं उस बयान पर आनंद मोहन के बयान को बेस बना के या ऐसे बयानों को बेस बना के नीतीश कुमार ऐसे बचकाना राजनीति नहीं करेंगे। यदि वो बेस बनाएंगे भी तो रिजर्वेशन वाले मुद्दे पे बनाए कि भाई हमने आपसे मांग की थी पिछड़ों के हक के लिए, हमने आपसे मांग की थी कि भाई इस चीज को नौवीं सूची में डलवाइए, आपने इस चीज को माना नहीं, और ऐसी स्थिति में बीजेपी भी अपने आप को बैकफुट पे पाएगी। आप भूमिहार राजपूत ब्राह्मण और कास्ट के वोट से चुनाव नहीं जीत जाइएगा। ये 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 जो अग्री जातियों का वोट है चौमीन है, लेकिन पेट भरने के लिए भात दाल चाहिए, सब्जी चाहिए जी। आप चौमीन खा के बॉडी नहीं बना सकते हैं, स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। आप जिस ये जो 15-16% जो वोट है चौमीन है, ठीक है नाश्ता में अच्छा लगता है चौमीन, और साथ में वो क्या हो पनीर टिक्का भी हो तो अच्छा लगेगा, लेकिन लंच में तो चावल दाल ही चाहिए और मूंग का दाल और चावल और वो सब्जी चाहिए ना। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं ऋषि जी, एक खबर आ रही है जिसे आप चाउमीन कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी एक नई रणनीति पर चल रही है कि जिस चाउमीन आप कह रहे हैं अपर कास्ट दलित और मुसलमान को मिला करके बिहार में 40-45% का एक वोट बैंक तैयार तो फिर वो चौमीन ही रह जाता है, वो डिनर बन जाता है, उसमें चौमीन भी है, पनीर की भी सब्जी है, रोटी भी है, मिठाई भी है, तमाम चीजों से वो थाली भर जाता है। इस बात को समझिए ना, चौमीन इसलिए कहा हूं मैं, या दूसरे भाषा में चौमीन यदि पसंद नहीं है तो मैं दूसरे भाषा में कहूं कि भात दाल सब्जी में यदि छाली मिल जाता है या दही मिल जाता है तो खाना बहुत टेस्टी हो जाता है, लेकिन सिर्फ दही और छाली से पेट नहीं भरा जा सकता है, भात दाल सब्जी चाहिए। खैर हम लोग बिहारी लोग हैं और भात दाल सब्जी और इस मुद्दे पे यदि नीतीश कुमार गठबंधन छोड़ते हैं तो बीजेपी बैकफुट पर होगी, फिर पिछड़े अति पिछड़ों को क्या मैसेज देगी बीजेपी। ऋषि जी हम लोग बिहार से आते हैं तो भात दाल के साथ आप जानते हैं कि दही की भी बात की, दही लोग जो है मटन को भी और चिकन को मैरिनेट करने के पहले उसमें दही मिला देते हैं और तब जाकर के बिहार में खाना टेस्टी बनता है, वो मटन टेस्टी बनता है। खैर राष्ट्रीय जनता दल में जो मटन बनाने की कोशिश हो रही है, राहुल गांधी कल मटन खा लिया, कल एक मिनट, कल मुकेश सहनी मछली लेके बैठे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बड़े बड़े मछली लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अब बोले पूरे बिहार को मछली खिलाएंगे और किसी को भी मछली खाने की जरूरत नहीं है। अरे मुकेश सहनी का जी का नंबर है तो बताइए, हम फोन करेंगे भाई हमें तो मछली खाना है, भिजवाइए हम लोगों को मछली भिजवाइए। नहीं मैं नंबर आपको भेज देता हूँ, लेकिन मुकेश सहनी जी अब ऑन कैमरा ही हम कह देते हैं, हम पत्रकारों को तो कभी मछली खिलाते नहीं है, हम पत्रकारों को दिल्ली में जो चाहिए होता है बिहार की मछली वो मिलती नहीं है, गैंचा मछली जो बोलते हैं, सिंगी मछली बोलते हैं, छोटी छोटी जो देसी मछलियां होती है। लेकिन लेकिन मैं एक 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 फोटो खिंचवा रहे हैं, हमको तो मिल नहीं रही है तो कैसे मानेंगे। देखिए एक अच्छे नेता यदि जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर एक्टिव होते हैं तो उनकी प्रशंसा भी होनी चाहिए। कोरोना काल में मुकेश सहनी मुजफ्फरपुर के प्रभारी थे, मैं आपको थोड़ा 2 सेकंड लूंगा, पुपरी एसडीएम नवीन कुमार उस समय पुपरी में एसडीएम थे, उनके एक अधीनिस्थ कर्मचारी कोरोना से पीड़ित थे और एसकेएमसीएच में एडमिट थे, और हालात ये था कि ऑक्सीजन उनको उपलब्ध नहीं कराया जा रहा था हॉस्पिटल द्वारा। मैंने मुकेश सहनी को कहा तो मुकेश सहनी के पीए ने फोन उठाया और 5 मिनट में मुकेश सहनी पर्सनल नंबर से कॉल बैक किए, बोले ऋषि जी आप चिंता मत कीजिए, हम 5-10 मिनट दीजिए, हम हॉस्पिटल खुद पहुंच रहे हैं, मुजफ्फरपुर में ही है, और तुरंत उस पेशेंट को ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई गई। तो मुकेश सहनी एक्टिव नेता है, और मैं तो ये कहूंगा मुकेश सहनी जैसे नेताओं को आगे आने की जरूरत है, जनता से जुड़े हुए मुद्दों पे काम करने की जरूरत है। ठीक है, लेकिन जो नेता आगे हैं उनके बारे में चिट्ठी लिखी जा रही है, प्रशांत किशोर राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की चिट्ठी की भाषा में प्रशांत किशोर पांडे जी हो जाते हैं,
तो ये प्रशांत किशोर पांडे जी और उनसे और वो बीजेपी की बी टीम है उनसे सतर्क रहना है, जो उधर जाएंगे जो उनके कार्यक्रमों में दिखेंगे उन पर पार्टी कड़ी कार्रवाई करेगी। पार्टी जेपी लोहिया की पार्टी है, पार्टी सामाजिक न्याय की पार्टी है, ये सारी बातें जब जगदानंद सिंह की चिट्ठी में आ रही है तो स्वाभाविक है लालू यादव की सहमति से आ रही है, तेजस्वी यादव की सहमति से आ रही है। तो जो बात जगदानंद सिंह लिख रहे हैं प्रशांत किशोर पांडे से, आखिर जगदानंद सिंह को बक्सर की राजनीति में खतरा महसूस हो रहा है या राष्ट्रीय जनता दल को बिहार की राजनीति में खतरा महसूस हो रहा है? क्योंकि चर्चा है कि कुछ दूसरे पिछड़े वर्ग के लोग मसलन कुशवाहा जिन्हें जोड़ना चाहते हैं, और मुसलमान वर्ग के लोग बड़ी संख्या में प्रशांत किशोर से जुड़ रहे हैं, ये चर्चा बिहार में आम है। एक मुसलमान MLC जो निर्दलीय जीते हैं चंपारण इलाके जी, वो प्रशांत किशोर के सहयोग से जीते हैं, और उसके बाद से कहा जा रहा है कि अब राजद में, मैंने कई मुस्लिम लोगों से बात की उस चिट्ठी को देखने के बाद, कई हमारे मुसलमान मित्र हैं बिहार के अलग अलग इलाके में, मित्र हैं, मैं मुसलमान मित्र नहीं कहता हूं, वो मित्र हैं, लेकिन चूंकि राजनीति ऐसी है कि उनकी आइडेंटिटी को उनके समाज के बारे में जानने के लिए उनसे बात करनी पड़ती है, तो कई सारे हमारे ऐसे मित्र जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं वो ये बात कह रहे हैं कि जब RJD मुसलमान को टिकट देती है तो RJD का कोर वोटर उन्हें वोट नहीं देता, यादव वोटर। आखिर क्यों लालू यादव हमें रिप्रेजेंटेशन ज्यादा नहीं देते और क्यों इस पार्टी के साथ हम रहे? सवाल ये है कि ये चिट्ठी क्यों लिखी गई और प्रशांत किशोर को प्रशांत किशोर पांडे क्यों बताया गया, पूरा नाम क्यों बताया गया? देखिए, एक तो आप प्रशांत किशोर पांडे मतलब बताने का मकसद है कि ये अगली जाति से है और आपके कभी ये हितैषी नहीं हो सकते हैं। ब्राह्मण अगली जाति राजद नहीं, का देखिए ऋषि जी, एक चीज मैं दर्शकों के सामने स्पष्ट कर दूं कि इस देश में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने में, पिछड़ों की लड़ाई लड़ने में जितना योगदान पिछड़े वर्ग के नेताओं का है उनसे कहीं ज्यादा योगदान पिछड़ों की लड़ाई लड़ने में अगड़े वर्ग के लोगों का है। चाहे बात आप लोहिया की करें, लोहिया पिछड़े वर्ग से नहीं थे, वो जनरल कैटेगरी से आने वाले वैसे थे। ठीक इसी तरीके से आप देखिए VP सिंह जिन्होंने मंडल आरक्षण लागू किया, अर्जुन सिंह जिन्होंने हायर एजुकेशन में मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू किया, ये सब अगड़े वर्ग के लोग थे लेकिन सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी। तो अगड़े वर्ग कहिए कि ब्राह्मणवाद एक मुद्दा बन जाता है, उसको एक जाति से जोड़ दिया जाता है और ब्राह्मण लोग तो आप तो बोलने नहीं देते। मैं उसी पे आ रहा था, मैं उसी विषय पे आ रहा था, मैं जो कहना चाह रहा था आप उससे पहले ही प्रश्न भी करते हैं, जवाब खुद ही दे देते हैं। मैं उसी चीज पे आ रहा था कि लालू यादव या राजद का ये मकसद है कि भाई पिछड़ों का हितैषी कौन है, उनका कहना है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पिछड़ों का विरोधी है ब्राह्मण, पिछड़ों का विरोधी है भूमिहार, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि लालू यादव या तेजस्वी यादव ये दिखाना चाहते हैं कि ये आपको उधर तोड़कर जो पिछड़ों का मसीहा है लालू यादव, जो पिछड़ों का आवाज था लालू यादव या है, उसको कमजोर करने का प्रयास ये BJP का एजेंट, जैसा राजद कह रहा है, प्रशांत किशोर पांडे कर रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा था, तो आप प्रश्न भी करते हैं उत्तर खुद दे देते हैं, तो मैं उसी चीज पे आ रहा था। सुन लीजिए, दूसरी बात ये है कि प्रशांत किशोर का टीम हर एक विधानसभा क्षेत्र में, मैंने अपने मुजफ्फरपुर में ही देखा है, गायघाट एक विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ एक राजपूत समाज से आने वाले प्रमुख हैं जो पोटेंशियल दावेदार हैं विधायक का, और उनके क्षेत्र अपने क्षेत्र में अच्छी छवि भी है, वो प्रशांत किशोर के संपर्क में है। इसी तरह मैंने गोपालगंज में सिद्धवलिया के पूर्व प्रमुख को मैंने, जो महिला समाज महिला वर्ग से आती हैं, उनका प्रशांत किशोर से अभी इन दिनों में देखा है कि उनकी मुलाकात हुई है। तो करीब करीब हर विधानसभा क्षेत्र में ऐसे पोटेंशियल कैंडिडेट तैयार कर रहे हैं प्रशांत किशोर, जिनको विधानसभा चुनाव में लड़ाया जा सके। तो प्रशांत किशोर के जो ग्राउंड पे काम हो रहा है उससे राजद क्या तमाम पॉलिटिकल पार्टी में बेचैनी जरूर है। और आप देख लीजिएगा, जिसको NDA या इंडिया गठबंधन से टिकट नहीं मिलेगा वो प्रशांत किशोर के संपर्क में है, और नहीं मिलेगा तो वो जा भी सकते हैं। और प्रशांत किशोर से खासकर युवाओं में एक बड़ा उम्मीद है। मैं तो ग्राउंड पे देखता हूं ना कि युवाओं का झुकाव प्रशांत किशोर के प्रति बढ़ती जा रही है, जिस प्रकार से वो दौरा कर रहे हैं, पूरे बिहार के भ्रमण पे हैं, गांव-गांव कस्बा-कस्बा जा रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं,
तो उसका उनका उसका फायदा विधानसभा चुनाव में होगा, और यदि 10-20 सीटें भी जीतने में वो सक्षम होते हैं तो आपको बिहार की राजनीति में एक बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। तो प्रशांत किशोर एक फोर्स बनते जा रहे हैं बिहार की राजनीति में, ये बात को मानना होगा आपसे जी। नहीं, इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है, मैंने कई लोगों से बात की, पता यही चला कि मुस्लिम समुदाय के लोग जो जा रहे हैं, क्या ये चिंता कि अल्पसंख्यक वोटर उधर जा सकता है क्योंकि उसके नौजवान कुछ जुड़ रहे हैं, ये चिंता राजद को खाए जा रही है? बिल्कुल, आपने एक एग्जाम्पल दिया, मैं भी वही कहना चाह रहा था कि एक जो MLC चुन के आए हैं निर्दलीय, जिनको प्रशांत किशोर का सपोर्ट था, वो कोई बहुत बड़े घर से बिलोंग नहीं करता है, बहुत इकोनॉमिकली बहुत साउंड नहीं है, वो व्यक्ति प्रशांत किशोर के टीम से जुड़ा हुआ था और निर्दलीय चुनाव लड़ता है और MLC में बड़े दिग्गजों को हरा के वो चुनाव व्यक्ति जीत के आया है। इसी तरह आपके क्षेत्र में देख लीजिए, मतलब आपके सीवर वाले क्षेत्र में देख लीजिए, वहां एक पूर्व मंत्री का जो जो सपुत्र है वो प्रशांत किशोर के टीम में है, और प्रशांत किशोर की टीम उस क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है और संभावित प्रत्याशी भी हो सकते हैं उस एरिया में। तो ऐसे संभावित प्रत्याशियों पे वर्क कर रहे हैं प्रशांत किशोर, और चुनाव लड़ाने का तो अनुभव है ही, चुनाव लड़ने का अनुभव नहीं है, लड़ाने का तो अनुभव है ही, किस मुद्दे को आगे बढ़ाया जाए, किस चीज को आगे रखा जाए जिससे एक एक टेम्पो बन पाए, तो उसके तो उस्ताद तो है ही। एक जानकारी, हालांकि मैं पुष्टि नहीं कर सकता, मैं अपने दर्शकों के लिए आपके सामने रखता हूं, आपकी तवज्जो इस पर चाहूंगा। मुझे किसी ने आज सुबह बताया कि जो ये प्रशांत किशोर पांडे लिखा गया है, दरअसल इसकी काट प्रशांत किशोर ने काफी पहले से ढूंढ रखी है। नाम तो लेना उचित नहीं है, कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल की पिछड़े वर्ग से आने वाली एक महिला नेता, तेज तर्रार महिला नेता, जो कम वोटों से लोकसभा चुनाव हारी है बिहार में, वो प्रशांत किशोर की पार्टी की पोटेंशियल CM कैंडिडेट बना करके पेश की जा सकती है बिहार में, ये चर्चा तक मैंने सुनी है। क्योंकि बतौर पंचायत प्रतिनिधि उनकी जो लोकसभा चुनाव कम मतों से हारी है, उनको कई कई अवार्ड वगैरह मिले हैं, उनका ठीक ठाक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ऐसा रितु जसवाल कहिए ना, मैं पुष्टि नहीं कर सकता। रितु जसवाल कहिए ना, यदि आप जो देखिए, मैं भी ये नहीं कह रहा हूँ, जो आप संकेत दे रहे हैं, जिस प्रकार से पुरस्कार की चर्चा कर रहे हैं, जिस प्रकार से पंचायत राजनीति में बेहतरीन काम करने की आप बातें कह रहे हैं, भाई कहिए ना, रितु जसवाल शिवहर में बहुत कम वोट से आ रही है, 35,000 से आ रही है जी, उनकी छवि भी है, एक अच्छी छवि है, मैं मानता हूँ जी जी। तो कहा जा रहा है कि ये सीएम कैंडिडेट के तौर पर इस तरह के पिछड़े वर्ग के लोगों पर प्रशांत किशोर की नजर है, कितना दम है आपको इस बात में? देखिए, राजनीति में छवि का बड़ा महत्व होता है, और इसका एग्जाम्पल आपने दिल्ली में देखा है कि किस प्रकार से नैरेटिव बनाया जाता है, और किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल को ईमानदार का सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनाया जाता है, और किस प्रकार से जो बेहतरीन काम करने वाली शीला दीक्षित को रिप्लेस अरविंद केजरीवाल कर देते हैं, तो नैरेटिव का तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और रितु जसवाल का तो छवि, तो मैंने आपकी आपके ही चैनल में जब एक मैंने और अपने नाम पर्सनल ऋषि जी एक और नाम मैंने पर्सनल राय रखा था, मैं तो मैंने एक कहा था, एक मैंने एक कहा था आपके आपके ही प्रोग्राम में, मैंने कहा था कि शिवहर का सौभाग्य होगा कि रितु जसपाल सांसद हो ना, रितु जसपाल हमारे संबंधी हैं, ना रितु जसपाल से कभी मैं मिला हूं, ना मेरे फोन मेमोरी में रितु जसपाल का नंबर भी है, लेकिन जहां तक मैंने देखा है, लोगों से सुना है, उस आधार पे कह रहा हूं, जिस प्रकार से उस महिला ने अपने पंचायत के लिए काम किया है, उस हिसाब से यदि शिवहर का सांसद आज भी किसी को होना चाहिए वो रितु जसवाल। ठीक है ऋषि जी, एक चीज आप और बताइए, आप एक और नाम चर्चा में आता है, हालांकि वो पॉलिटिशियन नहीं है, मैं फिर बता दूं, शिक्षा के पेशे में है और एक बड़ी प्रतिष्ठित परीक्षा में उनके यहाँ से 90-95% लोग उनके बैच से चुनकर आते हैं, अति पिछड़े समाज से है, फिल्म वगैरह भी उनके ऊपर बन चुकी है, कहा जाता है कि उन पर भी प्रशांत किशोर की नजर है, प्रोफेसर आनंद कहिए ना, सीएम कैंडिडेट हो सकते हैं, अति पिछड़ा चेहरा जी, सुपर 50 क्या नाम है उसका, संघ के संस्था क्या नाम है जी जी, क्या नाम है संस्था का,
अभिषेक जी, सुपर थर्टी, सुपर थर्टी, और आनंद ही नाम है ना प्रोफेसर साहब का जी? प्रोफेसर आनंद कहिए जी। बहुत एक एक, एक बेहतरीन चॉइस हो सकता है। और मेरा मेरे तरफ से भी एक सुझाव है, एक फॉर्मर डीजीपी रहे हैं, एक फॉर्मर डीजीपी रहे हैं और शिक्षा क्षेत्र में वो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और सुपर थर्टी से भी जुड़े रहे हैं, सुपर थर्टी के एक तरह से फाउंडर वही रहे हैं। अरे आप जो कह रहे हैं अभयानंद जी, लेकिन दिक्कत यही है कि जब अभयानंद जी है तो वही फैक्टर आता है, प्रशांत किशोर पांडे, वो भी सवर्ण है, ऊंची जाति से आते हैं। देखिए देखिए, बिहार के जनता को, जनमानस को जात पात और कास्ट रिलीजन से ऊपर उठ के चुनाव करना चाहिए। चाहे आपने बहुत बेहतरीन नाम जो चर्चा में है, प्रोफेसर आनंद हैं, अभयानंद जी हैं, ऋतु जसवाल हैं, ये समाज के लिए एक एग्जाम्पल हैं। और आपने देखा है कभी अभयानंद जी को किसी चीज में, ऐसे डेवलपमेंट में जिससे उनकी छवि छवि पर असर पड़ा हो या उन्होंने ऐसा कोई काम किया हो? डीजीपी रहते हुए उन्होंने कितना आज जो नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाता है, ये उनके ही कार्यकाल का देन है। डीजीपी रहते हुए, बिहार पुलिस के डीजीपी रहते हुए जितना उन्होंने बेहतरीन काम किया है, तो ऐसे व्यक्ति को राजनीति में आना चाहिए। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये उनके पार्टी का इंटरनल मामला है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को राजनीति में आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ हमारे अभिषेक जी को भी आना चाहिए, इतने ईमानदार, इतने कर्तव्यनिष्ठ पत्रकार है हमारे, जनता से जुड़े हुए मुद्दे पे किसी भी नेता को ठोकना हो, किसी भी नेता को ठोकना हो, अभिषेक जी पीछे नहीं हटते हैं। एक मिनट सुनिए, अभिषेक जी हमारे जो है राजनीति के दलदल में, ऋषि जी राजनीति के दलदल में जा करके सलम मणि त्रिपाठी, फिर ये मत कहिए, तब ये फिर मत कहिए, नहीं मेरी बात सुन लीजिए पहले, आप नहीं, आप बड़े हैं हमसे, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए, फिर ये पेपर पढ़ते हुए ये मत कहिए कि डार्लिंग नेताओं ने देश को बर्बाद कर दिया, ये मत फिर कहने का कोई हक किसी व्यक्ति को नहीं है। यदि आप दलदल में नहीं उतरना चाहते हैं तो दलदल में जो लोग हैं उस पर ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे हम हो या कोई हो। या पेपर पढ़ते हुए एक मिनट, नायक फिल्म का जो डायलॉग है, और कॉफी कप नहीं है मेरे पास, तो मैं एक्टिंग करके दिखाता, ये चाय पीते हुए, अरे डार्लिंग नेताओं ने देश को बर्बाद कर दिया, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया इस देश के लिए? जब वोट डालना होता है तो हम लोग घर से नहीं निकलते हैं, जब दलदल में कूदना होता है तो कहते हैं भैया हमसे नहीं होगा, तो भाई किससे होगा? ऋषि जी एक चीज मैं बताऊं आपको, मैं दो सेकंड लूंगा, प्रोफेसर आनंद, अभयानंद, ऋतु जसवाल, वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक जी, रविश कुमार हमें क्यों उस लीग में मत रखिए, रविश कुमार और अभिषेक जी जैसे पत्रकारों को राजनीति माना चाहिए, जो जनता से जुड़े मुद्दों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, ना केस मुकदमा राजनीति प्रेशर किस हर चीज को झेलने के लिए हमारे अभिषेक जी तैयार होते हैं। कितना दबाव होता है अभिषेक जी पे, कितना अभिषेक जी पर दबाव होता है ये मैं ही जानता हूँ। देखिए भाई, केस मुकदमे से दूर रहने वाले हम आदमी है, शरीफ आदमी है, भारत के संविधान के प्रति और कानून के प्रति पूरी तरह से समर्पित हमारी भावना रही है। दरअसल देखिए, ये कोई नहीं जानता, ये बात बिल्कुल सही है कि ना अभिषेक कुमार जानते हैं ना ऋषि मिश्रा जानते हैं कि कब कौन व्यक्ति किस पेशे की तरफ आकृष्ट होगा। आशुतोष जी वरिष्ठ पत्रकार चले गए थे राजनीति में, वापस पत्रकारिता में आ गए। आप देखिए सलम मणि त्रिपाठी गए, विधायक बन गए, वहां जमे हुए हैं, लेकिन सलम मणि त्रिपाठी या बाकी लोग जो गए वो राजनीति में जा करके कोई आमूल चूल परिवर्तन नहीं ला पाए। जब तक आप में परिवर्तन लाने की क्षमता किसी फील्ड में जाकर खुद के अंदर या आत्मविश्वास नहीं आया हो कि आप किसी फील्ड में जाकर कोई बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, तब तक इस तरह के परिवर्तन के लिए, अपने पेशे में परिवर्तन के लिए मनुष्य को नहीं सोचना चाहिए कि इतना बड़ा परिवर्तन हम ला सकते हैं। ऋषि मिश्रा और अभिषेक कुमार, ऋषि मिश्रा की क्षमताओं को मैं नहीं जानता, अपनी क्षमताओं को जानता हूँ कि मैं ना गांधी हूं, मैं दर्शकों के लिए एग्जांपल देना चाहता हूँ, राजनीति से इतर बात करना। बनारस में एक डॉक्टर है, नाम मैं भूल रहा हूँ, और वो रिटायर हो गए हैं, शायद उनको पद्मश्री भी मिला हुआ है, और रिटायरमेंट के बाद आज भी वो शायद बीएचयू में सेवा देते हैं, और सिर्फ सेवा का, सिर्फ भोजन और उनके वस्त्र पे जो खर्चा आता है उसका उसको काट के बाकी सैलरी को लौटा देते हैं, और आज भी वो पैदल अपने घर से, जो उनको घर दिया गया हुआ, वो घर से पैदल जाते हैं और फ्री में इलाज करते हैं। और मैं आपको बताऊं, उस मुख्यमंत्री का नाम नहीं लूंगा,
एक मुख्यमंत्री उनसे मिलना चाह रहे थे और उस मुख्यमंत्री सचिवालय से फोन जाता है उस डॉक्टर को, तो डॉक्टर मिलने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री यदि हमसे मिलना चाहते हैं तो पहले वो अपॉइंटमेंट ले लें और ओपीडी में मिले हमसे। मैं ओपीडी में मिलता हूँ, घर पे तो किसी से मिलता नहीं, ओपीडी में मिलता हूँ। और ओपीडी में भी आए माननीय मुख्यमंत्री जी, पहले मिलने से पहले अपॉइंटमेंट ले लें, क्योंकि कई मरीज और पीड़ित जो हैं पहले से अपॉइंटमेंट ले चुके हैं। तो कल यदि मुख्यमंत्री जी मिलना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट ले लें, तब मिले। तो ऐसा ईमानदार आदमी, ऐसा कर्तव्यनिष्ठ आदमी कहां मिलेगा बताइए। हाँ, राजनीति में टिकता नहीं है। खैर, आखिरी सवाल ऋषि जी, संक्षेप में 30 सेकंड में जवाब। 13 जुलाई को रुपौली का नतीजा आएगा, तो क्या रुपौली बिहार की राजनीतिक रूप को परिवर्तित करने की दिशा में कोई लैंडमार्क बनने जा रहा है? देखिए, यदि रुपौली में जेडीयू चुनाव हारती है तो सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए बड़ा मैसेज होगा। और जनरली हम लोग आप जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, या तमाम दर्शक भी जानते हैं कि उपचुनाव में वही पार्टी जनरली जीतती है जो सत्तारूढ़ होती है। और सत्तारूढ़ होते हुए भी यदि आप चुनाव हार जाते हैं तो आपके लिए एक गलत मैसेज आएगा। तब जब लोकसभा चुनाव में आपने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है, तब जब लोकसभा चुनाव में यदि विधानसभा वाइज एनालिसिस करें तो 175 से अधिक सीटों पर आपने बढ़त बनाया है, उसके बावजूद भी आप चुनाव हार जाए, यदि मैं सही हूं तो रुपौली में जेडीयू उम्मीदवार को बढ़त मिला था, संतोष कुशवाहा को बढ़त मिला था पप्पू यादव की तुलना में, और उसके बावजूद हार जाना एक संकेत है कि विधानसभा में, लोकसभा में एनडीए को लोग पसंद कर रहे थे तो विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन यानी तेजस्वी यादव पे लोगों ने मोहर लगाया है। तो एक बड़ा मैसेज मुझे लगता है कि रुपौली से देखने को मिलेगा। जी जी, आज आपने पूरा धागा खोल करके रख दिया है। और सबसे पहले अपने दर्शकों को ये बता दें कि बिहार के बारे में 13 जुलाई के बाद कुछ हम कंक्रीट कह पाने की स्थिति में होंगे कि सियासत किस दिशा में जा रही है। फिलहाल तो सियासत का तेल देखिए और उस तेल की धार देखिए कि कितनी तेज या कितनी मंद है। ऋषि मिश्रा जी ने आज सारी बातें प्रशांत किशोर उर्फ प्रशांत किशोर पांडे से लेकर राष्ट्रीय जनता दल पप्पू यादव आनंद मोहन और चिराग पासवान नीतीश कुमार की जो मुलाकात है, क्या यह नरेंद्र मोदी को सुकून देने वाली है या नरेंद्र मोदी की सुकून और चैन को छीनने वाली मुलाकात, और इसका नतीजा 13 जुलाई को एक नए रूप में परिवर्तित होते हुए कौन सा राजनीतिक गुल खिलाएगा, ये देखा जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी, आपने समय निकाला और फिर हम आपके साथ लगातार बैठते रहेंगे। नमस्कार।